मोदी महाराष्ट्र दौरे पर आज हैं और देखिए कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु से मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई में पीएम मोदी मेट्रो लाइन और मेट्रो भवन की आधारशिला रखेंगे, जबकि औरंगाबाद में वो औद्योगिक सिटी और एक सिटी का उद्घाटन करेंगे। तो अहम खबर और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में थे कुछ वक्त पहले नरेंद्र मोदी, सुबह हमने सुना किस तरह से इसरो से उन्होंने संबोधित किया रखेंगे, जबकि औरंगाबाद में वो औद्योगिक सिटी और एक सिटी का उद्घाटन करेंगे। तो अहम खबर और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में थे कुछ वक्त पहले नरेंद्र मोदी, सुबह हमने सुना किस तरह से इसरो से उन्होंने संबोधित किया पूरे देश को, और अब मुंबई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेट्रो लाइन की यहां पर आधारशिला रखेंगे। तीन मेट्रो लाइन है जिसकी आधारशिला भूमि पूजन होना है। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं मुंबई से आपको। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा। और देखिए कुछ वक्त के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। सुबह बेंगलुरु में थे नरेंद्र मोदी, अब पहुंच चुके हैं मुंबई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीन नई मेट्रो लाइन की आधारशिला यहां पर शुरुआत की जाएगी और मेट्रो भवन की आधारशिला भी रखी जाएगी। मुंबई को तोहफे देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम खबर और अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीन मेट्रो लाइन है जिसकी आधारशिला आज रखी जाएगी और इसके अलावा मेट्रो भवन का भी आज यहां पर शुरुआत होने वाली है। तीन मेट्रो लाइन की आधारशिला, मेट्रो भवन की आधारशिला, बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महाराष्ट्र का दौरा। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है नरेंद्र मोदी का? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई में जिस तरीके से आपने देखा कि जब आपको बता दूं उनके बारे में कि पहले ही आते ही, क्योंकि मुंबई में इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र में गणपति की यहाँ पे गणेशोत्सव चल रहा है। दसवीं का बड़ा पूजा पाठ होता है और बड़ा त्यौहार होता है महाराष्ट्र का और मुंबई का, और इसीलिए सबसे पहले वह गणपति वंदना करके गणपति के चरणों में जाकर कहीं नतमस्तक होते हैं और पूजा अर्चना करते हुए विले पार्ले के एरिया में जो 100 साल गणपति मंडल को पूरा हुआ था उस जगह पर जाकर वो उन्होंने पूजा अर्चना किया। उसके बाद सीधे जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यह बीकेसी का एरिया है, बांदाकुला कॉम्प्लेक्स, इस जगह पर आएंगे और यहाँ पर तीन मेट्रो जो लाइन है उसका शिलान्यास करेंगे, उसका भूमि पूजन करेंगे, उसके अलावा मेट्रो भवन का भी वहां पर शिलान्यास किया जाएगा। यानी करीबन 19,000 करोड़ रुपए के जो लागत से बनने वाला तमाम जो मेट्रो लाइन है, भूमि और जो है उसका शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद यह औरंगाबाद जाएंगे। लेकिन सबसे खास बता दूं आपको कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है और चुनाव के ठीक पहले मुंबई में और महाराष्ट्र में से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, साफ समझ सकते हैं कि चुनावी बिगल यहाँ से आज से नरेंद्र मोदी बजा देंगे। और जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में घूमकर प्रचार कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, और उसके पहले कुछ ही दिन अब कहते हैं बचे हुए महाराष्ट्र में कोटा पंडित लगने के, उसके कुछ ही दिन पहले यहाँ पर अगर पीएम आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर घोषणा कर रहे हैं, साफ समझ सकते हैं कि चुनावी या चुनाव के पहले महाराष्ट्र में आकर पीएम तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन, और अभिषेक आपके पीछे तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ हॉल में लोग मौजूद हैं। थोड़ा बताएं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहाँ पर होगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, पूरा दिखाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यह बीकेसी का यह जियो सेंटर है जहाँ पर भारी संख्या में लोगों को यहाँ पर लाया गया। पहले प्रोग्राम एमआरडीए ग्राउंड में होने वाला था, लेकिन चूंकि बरसात तेज हो रही थी इसके वजह से ये अंदर इनडोर रखा गया ताकि यहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ आपको दिखाओ तो यहाँ पे जो है बड़ा सा स्टेज बनाया गया। इस स्टेज पर तमाम जो मुंबई के जो यहाँ पर जो नेता है, खासतौर से विधायक है, उसके अलावा जो मंत्री है, सांसद है, सीएम और राज्यपाल से लेकर सभी लोग मौजूद रहेंगे। और इसी जगह पर
आगे देखिए आप इस वक्त पीयूष गोयल जो दो रेल मंत्री है, विनोद तावड़े है, तमाम राम दास अठावले है, तमाम ऐसे है जो लोग यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं। और सबसे एक अहम बात यह भी थी, बता दूं आपको, देखिए कि यहाँ पर इसी मंच पर उद्धव ठाकरे के भी आने की बात थी, लेकिन जानकारी यह मिली कि उद्धव ठाकरे शायद यहाँ ना आए, क्योंकि कहीं के देखिए दोनों पार्टियों में लेकर कहीं के पेच फंसा हुआ है, कहीं के इस बात को लेकर लग रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर एक आपस में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी शिवसेना को 110 सीटों देने की बात बताई जा रही है, वही शिवसेना साफ तौर पर 160 सीट के आसपास मांग रही है। तो जरूर कहीं के चुनाव के पहले महाराष्ट्र में और मुंबई में अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे पीएम, तो उम्मीद जताई जा सकती है, हो सकता है कि इस पूरे मामले पर दोनों पार्टियों के बीच में कुछ बात बन जाए। दोनों पार्टियों में लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन यह बात बनती नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि चुनाव के पहले मुंबई में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी अहम है हर लिहाज से, चाहे वह महाराष्ट्र की जनता के लिए हो, चाहे तमाम सौगात यहाँ पर लेके आए तमाम लोगों को, या फिर शिवसेना बीजेपी का जो कई सालों गठबंधन है उस लिहाज से भी काफी अहम है। अभिषेक, उद्धव ठाकरे तो नहीं पहुंच रहे जैसा आपने बताया, लेकिन एक बार फिर से हमें मंच की तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर कौन कौन से जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुंचे हुए हैं, अहम लोग कौन कौन से हैं जो इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं, कुछ वहां की तस्वीरें पहुंचाइए हम तक। बिल्कुल, हमारे कपल से दिखाएंगे, देखिए इस वक्त जो हम मंच की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, मंच पर देखिए इस वक्त आशीष सिलार से लेके जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगेश सागर हैं, और साथ ही साथ रविंद्र वायकर हैं। इस वक्त आप देखिए शिवसेना की तरफ से ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, शिवसेना की तरफ से रविंद्र वायकर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ के स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर है वह यहाँ पर मौजूद है, साथ ही राहुल सेवाले सांसद है शिवसेना के वह यहाँ मौजूद है, मनोज कोटक है सांसद जो किरीट सोमैया की जगह पर जो टिकट मिला था वो यहाँ मौजूद है, उसके अलावा आप देखिए विनोद तावड़े यहाँ पर जो एजुकेशन हेड मिनिस्टर वह मौजूद है, उसके अलावा रामदास अठावले जो केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार में वो मौजूद है, उसका विद्या ठाकुर जो है उत्तर भारतीय नेता कही जाती है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मंत्री वह मौजूद है, साथ ही गोपाल शेट्टी जो कि उर्मिला मातोंडकर को जो हराकर भारी मतों से जीत उन्होंने हासिल की थी वह मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी मुंबई और आसपास के जो भी सांसद हैं, उसके अलावा जो विधायक हैं, नगर सेवक हैं, तमाम नेता हैं, वह खास तौर से मौजूद है, देखिए उसके लिए खास तौर से यहाँ पे लोगों को कुर्सियां लगाई गई है। और इसके अलावा नए जो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी, वह भी खास तौर से आज यहाँ मौजूद होंगे, पहली बार मुंबई में प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनके राज्यपाल बनने के बाद, तो आज वह भी खास तौर से यहाँ पे मौजूद रहने वाले। अभिषेक, आगे अपडेट हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि गणेशोत्सव चल रहा है मुंबई में इस वक्त, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहले गणेश प्रतिमा को ही माल्यार्पण किया, और अब बेहद खास दिन महाराष्ट्र के लिए क्योंकि कई सौगातें आज मुंबई को भी मिलने वाली हैं। बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इसरो के साथ किस तरह से खड़ा